हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम जानने वाले हैं फाइनल डिसीजन ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल और साई सिल्क। आज इनका लास्ट डेट है, तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे विद लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन डिटेल। तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप के हुए, ताकि बेहतर तरीके से आपको सारी जानकारी समझ में आ सके और आप इसका फायदा उठा सको। तो चलिए अपनी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल से। एंड गाइज, सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पे बिजनेस और सारा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको डिसीजन बताऊंगा सब्सक्रिप्शन जीएमपीजी। अगर जो आपने बिजनेस नहीं देखा है, फाइनेंशियल्स नहीं देखा है, तो जाके ये वाला वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा सिग्नेचर ग्लोबल का, सेम साइंस सिल का भी मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे एक बार अपडेट देख लो। आईपीओ ओपन हुआ था 20 को, 22 को क्लोज होने वाला है, 27 को इसकी अलॉटमेंट है। लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर को है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे ना के स्प्लिट करके आई है, एक ही फेस वैल्यू पे ₹350 पर इक्विटी शेयर। तो यहां पे गाइस पहले ही बताता चलूं कि प्राइस बैंड महंगा है, और मैंने आपको डिटेल रिव्यू में बताया था यहां पे जो प्राइस बैंड है एक्चुअल में ये हमसे ₹3850 मांग रहे हैं। ठीक है, डिटेल रिव्यू बता रखा है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ₹3850 एक शेयर के लिए देना महंगा है, इसको सस्ता करने के लिए उन्होंने स्प्लिट कर दिया है इसके फेस वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे जो साइज है वो 730 करोड़ का है, जिसमें से 127 करोड़ ओएफएस है, बाकी बचा हुआ 603 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाला है। यहाँ पे गाइस रजिस्टर लिंक इन टाइम है और 10% कोटा हमारे लिए रखा गया है। सब्सक्रिप्शन डिटेल आपके सामने है, जो कि हमने न्यूज चैनल पे शेयर कर दिया था। न्यूज चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन नंबर 2 पे लिंक है, ज्वाइन कर लो। यहाँ पे गाइस सिग्नेचर ग्लोबल में देखो बिजनेस जो है वो बढ़िया है, जिस सेक्टर में काम करती है बिल्डिंग्स एंड ऑल बनाती है, बढ़िया है। लेकिन कंपनी बार बार लॉस बना रही है, लॉस पोस्ट करती जा रही है, और इसके साथ ही कंपनी के जो दूसरे पैरामीटर्स है ना वो भी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस बढ़िया है, एंकर ने पैसा डाला है। ठीक है, मतलब आप मान सकते हैं क्यूआईबीज ने भी पैसा थोड़ा बहुत डाला ही है, एंकर इन्वेस्टर लिस्ट से भी वही क्यूआईबीज ही आते एक तरीके से, तो उन्होंने भी डाला है। तो भाई क्यूआईबीज के पास बहुत पैसा है, हम थोड़ा ना फंसा सकते हैं। उन्होंने तो अभी न्यूली लिस्टेड आज के दिन सामी होटल्स और जैगल में भी डाला था। ठीक है, तो चलो 5% 6% गेन मिल गया, लेकिन अगर 5-10% का लॉस हो जाता तो उनके पास पैसा है भाई, हम उनसे कंपैरिजन नहीं करेंगे। सिर्फ उनको देख के हम अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं, लॉस वाली स्टोरी नहीं बनाएंगे। तो यहां पे गाइस अगर जो क्यूआईबी के बाद बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है 0.65 टाइम, ये 12:45 का डेटा है। एनआईआई ने 6.85 टाइम, 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में, 2 से 10 लाख कैटेगरी में 3.78 टाइम, कलेक्टिवली एनआईज ने 5.83 टाइम अपने कोटे सब्सक्राइब किया है। रिटेलर देख लो 4.20 टाइम। तो रिटेलर क्या है भाई, कुछ भी हो, लॉस होगा तो भी चलेगा, 2-4% मिल गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है, खासकर नए लोग। मेरे कमेंट आज देखने को मिले, कई सारे लोग जिनको सेल नहीं करना था वो जैगल में लगा के बैठे थे या सामी में लगा के बैठे थे। तो जैगल तो चलो ठीक है, एक बार को बिजनेस बढ़िया था, कुछ ना कुछ हो ही जाता, पर सामी तो उस लायक भी नहीं था, हालांकि लिस्टिंग मिल गया वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे भाई वैसे लोग यहाँ पे पैसा डाल देते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। इवन कुछ नोन लोग भी जिनको एक्सपीरियंस है वो भी डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो दिक्कत ही है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो सब्सक्राइब हुआ वो 2.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम में करीब 1:15 का डेटा है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो फ्रेश डेटा जो सब्सक्राइब हुआ है वो 3.24 टाइम हुआ है। तो अगर जो आप देखो यहाँ पे तो 2.5 के बाद आते हैं क्यूआईबीस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से भी कम है, 730 करोड़ का आईपीओ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 1000-1500 करोड़ का। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाइज मैं बताऊं डेटा कि कम से कम अगर जो क्यूआईबीस इस साइज के हिसाब से 30-40 टाइम करते हैं तो यहाँ पे ओके ओके टाइप होगा, और आप छोटी मोटी लिस्टिंग के लिए छोटे रिस्क के साथ जा सकते हो। अगर जो इससे कम होता है क्यूआईबी का, तो भाई इग्नोर करना ही ऑप्शन है, यहां पे 5-10% का रिस्क रहने वाला और 5-10% गेन मिलेगा वो भी रिस्क के साथ। तो अगर जो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो। 1:15 वाला जो डेटा है सब्सक्रिप्शन का यहां पे लगा दूंगा। बात करूं सिग्नेचर ग्लोबल के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें 30-35 रुपए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये भी न्यूज चैनल पे शेयर करते हैं हम, तो न्यूज चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो 30-35 के हिसाब से अगर जो आप देखोगे तो करीब हमें यहां से 9-10% का अप्रोक्सीमेटली गेन होता है। तो 9-10% का ये गेन है जीएमपी के हिसाब से भी, और रिस्क भी इतना ही रहने वाला है। लॉस बना रही है, लॉस मेकिंग कंपनी में आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अगर जो क्यूआईबी आते हैं जितना मैंने बताया डेटा, तो सब्सक्रिप्शन जो है वो यहां पे भी अच्छा खासा देने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 20-25+ देने को मिल जाएगा, 20-25+ होता है तो छोटे रिस्क के साथ आप लगा सकते हो, और अगर जो ज्यादा होता है 30+ अप्रोक्सीमेटली मान लो, तो थोड़ा सेफ हो जाने वाला है। तो अगर जितना सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो कि मुझे उम्मीद कम है मिलेगा, तो आप लगाना, वरना फिर इग्नोर कर देना। बाकी आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आपका पैसा है, आपका डिसीजन होना चाहिए। एंगेज यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ बताने से पहले बता दूं कि अगर जो अब तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, देख लो। आज के दिन मैं लाइव नहीं आ पाया था, मुझे कहीं जाना था उसकी वजह से, लेकिन मैंने जैगल की जो लिस्टिंग थी, क्या करना है, क्या चीजें रही हैं, सारा कुछ अपडेट दे दिया था, और साथ में सामी होटल्स का भी। उसका देख लो, कल के दिन यहाँ पे 190 पॉइंट का बढ़िया जैकपॉट गेन बैंक निफ्टी में,
ठीक है, तीन चार इंट्राडे कॉल भी दी थी। उसके पहले आप देख लो यहाँ पे इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल, पोजिशनल कॉल, सपोर्ट के लिए आपको ऑडियो, टेक्स्ट सपोर्ट और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन नंबर एक पे इसका लिंक है, नंबर दो पे न्यूज चैनल मैंने बता दिया जहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, आईपीओ का न्यूज और सारा न्यूज आता है, और नंबर तीन पे इंस्टाग्राम फटाफट फॉलो कर लो। आगे बढ़ते गए, इस बात करते हैं एसएसकेएल यानी कि साइंस सिल्क के बारे में। साइंस सिल्क का भी डिटेल रिव्यू आप देख लेना अगर आपको डिटेल जाननी है। यहाँ पे सर मैं शॉर्ट में रिव्यू करने वाला हूँ इसका। यहाँ पे गाइस 20 को ये ओपन हुआ था, 22 को क्लोज, 27 को इसका अलॉटमेंट डेट है, 4 को इसकी लिस्टिंग डेट, 2 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट होकर आया है, 222 रुपए प्राइस बैंड है। तो यहाँ पे बता दूं प्राइस बैंड महंगा है, अगर जो स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 220 230 आता या 250 भी आता तो चल जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस 5 बार स्प्लिट होकर आया है। तो यहाँ पे अगर आप एक्चुअल प्राइस देखोगे तो करीब 1110 रुपए पर शेयर हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको इन्होंने स्प्लिट कर दिया है 2 की फेस वैल्यू पे, तो हमें सस्ता लग रहा है। बट एक्चुअल में जो शेयर्स का टुकड़ा मिल रहा है कंपनी की, जो हमें हिस्सेदारी मिल रही है, वो इन्होंने 1110 का एक बेचा है और उस फिर एक शेयर को उन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में, तो इसलिए सस्ता रेट में लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सस्ता नहीं है। अगर जो 2 की फेस वैल्यू पे आना था तो 100, 110, 120 के आसपास प्राइस बैंड मुझे लगता है जेन्युइन होता, ठीक है, और गेन भी मिल जाता। साइज जो है बड़ा है 1201 करोड़ का, जिसमें से 600 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी बचा हुआ ओएफएस है, आधा आधा आप कह सकते हो इसको। 3500 कोटा रेट रखा गया है। बात कर गई यहां पे सब्सक्रिप्शन की, तो टोटल सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, सिर्फ 80% हुआ है, मतलब 0.80 टाइम हुआ है। यहां पे आप देखोगे तो रिटेलर ने भी नहीं डाला है, 0.39 टाइम डाला है, लेकिन ये 0.39 टाइम भी जो है ना, ये काफी अच्छा खासा है, क्योंकि 1200 करोड़ का साइज है, उसमें से 35% का कोटा रिटेलर के लिए है, तो यहां भी देखो फंसने के लिए तैयार है। और कलेक्टिवली देखा जाए तो 0.829 में सब्सक्राइब हुआ है। अगर जो क्यूआईबी का कोटा फुल हो चुका है किसी भी आईपीओ में तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आईपीओ भी चलने ही वाला है। बात करो यहाँ पे भाई अप्लाई करने की, तो ये लॉन्ग टर्म में बिजनेस देखो ठीक ठाक सा है, अगर जब लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो 2-3 साल का तो जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में और लिस्टिंग के लिहाज से तो इग्नोर ही करो इसको। यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आप 2-4%, 5% या मैक्सिमम 10% का गेन देख सकते हो, और उतना ही रिस्क है। सब्सक्रिप्शन की बात करो गाइस, अगर जो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 15 से ज्यादा देने को मिलता है तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप 10-15% की लिस्टिंग के लिए जा सकते हो, बट मुझे लगता है इतना मिलेगा, टोटल की बात करो 15, ठीक है, और यहाँ पे क्यूआईबी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अभी करंट जो सब्सक्रिप्शन जो वीडियो कर रहा हूं 1:15 का ही, तो यहाँ पे टोटल 0.82 हो गया, बस इतना ही, ठीक है। ग्रे मार्केट की बात करें इसके, तो हमें 10 से 11 रुपए देने को मिल रहा है, जो करीब 5% होता है, तो ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड नहीं है, इसी वजह से प्राइस बैंड महंगा है। डिटेल रिव्यू मैंने आपको सब कुछ बताया था। एंड गाइस आपको अभी थोड़ी देर बाद मनोज वैभव जेम्स का डिटेल रिव्यू देने को मिल जाएगा, और हमने कल के दिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का भी डिटेल रिव्यू डाल दिया, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का डिटेल रिव्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, काफी शानदार ग्रुप की कंपनी है, 13 साल बाद इसके आईपीओ आया है, और वैभव जेम्स का तो थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या करने वाले इस आईपीओ में बताना जरूर, मिलता है वीडियो में, करते हुए कहते हैं वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू वेल दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।